नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट, 11 मौत, 217 घायल। मंत्री राव उदय प्रताप बोले, चूक की गुंजाइश हमेशा रहती है। उमा ने जताई आतंकी साजिश की आशंका। बॉलीवुड कलाकार आमिर और किरण भोपाल में फिल्म लापता लेडीज के प्रीमियर में होंगे शामिल। सीहोर के समर्थन में निभाया है लीड रोल। मुख्यमंत्री ने गाली देने वाले जावरा एसडीएम को हटाया। किसानों ने कहा था मैं 25 गालियां दूंगा, सीएम ने कहा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों को गाली देने वाले जावरा एसडीएम को हटा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सिंधिया ने ढोल कट, सिंधिया ने बजाया ढोल, कांग्रेस ने हरदा ब्लास्ट पर घेरा। एक्स पर लिखा, ये कौन सा अहंकार है जो मौतों का भी जश्न मना देता है। एमपी में उतरी हवा में ठंड का एक और दौर। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में 3 डिग्री तक गिरा पारा। 3 दिन बाद बूंदाबांदी के आसार। भोपाल में मंगलवार को कोहरा रहा। दिन 5 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। एसडीएम को ग्रामीणों से दुर्व्यवहार भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा घटना का संज्ञान लेने के बाद रतलाम जिले में ग्रामीणों से एक समूह के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक अनुविभागीय मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह को अपनी जीप पर कंट्रोल करना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 2 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को अमरकंटक पहुंची हैं। नाना के 13वीं में बना रहा था रील, चल गई गोली और खत्म हो गया खेल। मध्य प्रदेश में मुरैना से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सतपुड़ा में नए मेहमानों का पहला वीडियो, बागिन माँ के साथ दिखे 3 शावक। एसटीआर ने कहा खूबसूरत परिवार। 14 तस्वीरों में हरदा ब्लास्ट, 500 फीट तक उड़े ईंट पत्थर। छत से कूदकर भागे वर्कर, आग बुझाने के बाद भी फूटते रहे पटाखे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।